नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय चुंबक का कमाल को जारी रखेंगे और आज हम इसके भाग दो को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चुंबक के ध्रुव के बारे में, उसके बाद कंपास के बारे में जानेंगे, उसके बाद चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में चुंबक को सुरक्षित कैसे रखा जाए इसके उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्या जैसा चित्र में दिखाया गया है, क्या वैसे ही कुछ विशेषता आपको देखने को मिली थी? तो आइए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेट पर लोहे का बुरादा ले लेंगे और उसे फैला देंगे। इसके बाद इस प्लेट पर एक छड़ चुंबक रखेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप पाते हैं कि चुंबक के किनारों पर अधिक बुरादा चिपक जाता है। फिर चुंबक को साफ कर पुनः इस प्रक्रिया को दोहराइए, फिर आप देखिए कि क्या होता है। फिर पहले जैसा ही अगर बुरादा दोनों किनारों पर अधिकाधिक रूप में चिपक जाते हैं, अगर ऐसा ही होता है तो ये दोनों सिरे यानी कि छड़ चुंबक के दोनों बाहरी सिरे ही चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। आम भाषा में आप यह भी कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुव किनारों के नजदीक होते हैं। चुंबक के ध्रुवों के पता लगाने के लिए आप घर पर विभिन्न आकृति के चुंबक ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति क्या होती है। आइए दोस्तों, चुंबक के ध्रुव के बारे में पता लगाने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक छड़ चुंबक लेंगे, उसके बाद इसे एक धागे द्वारा बांधकर स्टैंड से लटका देंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि चुंबक को धीरे से हिलाकर विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करेंगे। जब चुंबक विरामावस्था में आ जाएगा तो उसके दोनों सिरों को धरती पर चिन्हित कर दीजिए। फिर कुछ समय बाद उस स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक को धक्का देकर छोड़ दीजिए। फिर विरामावस्था में आने पर आप क्या देखते हैं कि चुंबक की दिशा पहले जैसी ही है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में ही विराम अवस्था में आता है, जो कि उत्तर दक्षिण में ही होता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर है और कौन सा सिरा दक्षिण है। चुंबक का उत्तर का सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है तथा दूसरा सिरा यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होने के गुण का उपयोग कंपास बनाने में किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कंपास किसे कहते हैं। दोस्तों, कंपास एक चुंबकीय सुई है। यह एक अचुंबकीय पदार्थ से बने एक वृत्ताकार बक्से के आधार पर लगी एक धुरी पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। वृत्ताकार बक्से का ढक्कन कांच का बना होता है, जिससे बक्से के अंदर सुई की स्थिति को देखा जा सकता है, जिस पर दिशाएं अंकित रहती है। साधारणतः चुंबक या चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव लाल तथा दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से रंगा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब किसी स्थान पर दिशा का पता लगाने के लिए कंपास को क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। इसके बाद आप क्या करें कि विरामावस्था में आने पर चुंबकित सुई उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कौन सा दिशा है। इसका इस्तेमाल हमें अनजान जगहों पर जाने पर दिशा का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे कि चुंबक को हम खुद से कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लोहे का
आयताकार टुकड़ा लेंगे। एक छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव लोहे के टुकड़े के एक सिरे पर रखेंगे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। अब चुंबक को दूसरे सिरे तक हम ले जाएंगे, चुंबक को उठाएंगे तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाएंगे। इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम कुछ देर तक जारी रखेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका चुंबक तैयार हो जाएगा। इस तरह आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी चुंबक बना सकते हैं। इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि चुंबक को हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी चुंबक बनाना सीख चुके हैं। अब हम जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है, लेकिन हमारे मन में एक और प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने लिए कंपास भी बना सकते हैं। आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पानी से भरा प्याला लेंगे। उसके बाद फिर उस पर एक छोटा प्याला रखते हैं। उसके ऊपर एक स्वयं द्वारा बनाया हुआ चुंबक रख कर उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव आप अंकित कर दीजिए। इसके बाद उस छोटे प्याले को हिलाकर छोड़ने के बाद वह हमेशा एक ही दिशा में स्थिर हो जाता है। इस तरह यह कंपास की तरह कार्य करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कैसे होता है। इसे जानने के लिए हमें क्रियाकलाप द्वारा ही समझना होगा। तो आइए हम एक रोचक खेल के माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक के दो खिलौने कार लेंगे तथा उन पर ए और बी लिख देंगे। लंबाई के अनुसार एक चुंबक को दोनों कार के ऊपर रबर बैंड से लगा दीजिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब कार ए में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आगे भाग की ओर रखिए, जैसा कि चित्र में है, और कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। अब आप क्या करें कि दोनों कार को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश करें। आप अवलोकन कर सकते हैं कि क्या दोनों कार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जवाब होगा कि हाँ, दोनों कार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह होगा दोस्तों कि असमान ध्रुव यानी कि उत्तर दक्षिण ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं। आइए हम एक और क्रियाकलाप से समझते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वैसे ही दो कार लेंगे, कार ए और कार बी। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों के ऊपर हम चुंबक रख देंगे। अब कार ए के चुंबक का उत्तर ध्रुव आगे की ओर रखेंगे और कार बी में भी चुंबक का उत्तर ध्रुव आगे की ओर रखेंगे। अब हम दोनों कारों को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश करेंगे। तब आप क्या पाएंगे कि दोनों कार आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि समान ध्रुवों यानी कि उत्तर उत्तर ध्रुव या दक्षिण दक्षिण ध्रुव में प्रतिकर्षित होते हैं। इस क्रियाकलाप को आप घर से करके आएं और अगले दिन शिक्षक से वर्ग में चर्चा करें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चुंबक को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसका क्या क्या उपाय हो सकते। दोस्तों, यदि चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए या गर्म किया जाए या पीटा जाए तो वे अपने गुण को खो देते हैं। इसलिए हमें ऐसा कदापि न करना चाहिए। या यदि चुंबक को उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक यानी कि अलग करके इनके सिरे पर लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुव के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा चुंबक सुरक्षित रहता है। दोस्तों, हमें चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इनके समीप चुंबक को नहीं रखना चाहिए। इसे हमें इसलिए दूर रखना चाहिए कि इन वस्तुओं पर चुंबक का बुरा प्रभाव पड़ता है।
और यह खराब होने का भी डर रहता है। इसलिए हमें सुरक्षित रखने के लिए इन सारी वस्तुओं को, चुंबक को हमेशा अलग रखना चाहिए। आइए दोस्तों, हम चुंबक के तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला गुण यह होता है कि स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, यानी कि विराम अवस्था में आ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि समान ध्रुव में विकर्षण होता है एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, जैसा कि हमने कार वाले क्रियाकलाप से चर्चा किए हैं। और तीसरा गुण यह होता है दोस्तों कि चुंबक के ध्रुव उनके किनारों के निकट होते हैं। इस प्रकार से हम चुंबक के गुण के बारे में हम जान चुके हैं। इस तरह से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने चुंबक के ध्रुव के बारे में जाना, इसके बाद हम कंपास के बारे में चर्चा किए, इसके बाद चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा किए, और अंत में चुंबक को सुरक्षित कैसे रखा जाए इसके उपाय के बारे में भी हमने चर्चा किया। इस तरह से हम इस अध्याय के सारे विषयों को पढ़ चुके हैं। आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की कक्षा 6 विज्ञान पुस्तक से अध्याय चुंबक के कमाल से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।